बता रही है कि भाजपा कितना डरी हुई है। अब एजेंसियां सरकार की गुलाम हो गई हैं, सरकार कहती भी नहीं है, केवल अगर इशारा कर दे तो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये सरकारी एजेंसियां हैं, क्या इन एजेंसी के अधिकारियों को नहीं मालूम है कि सरकार बदलेगी तो क्या होगा? ये जो आज आदेश दे रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ बोले उसे आप जेल में डाल दो, बीजेपी क्या समझती है कि आप बोलने वालों को जेल में डाल देंगे तो देश की आवाज़ आप दबा देंगे? देश आपसे डरने वाला नहीं है, देश के लोग आपको बदल देंगे। सर आज ये रहा, ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, पुलिस ने डिटेन किया था, जिसमें अब दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके एडिटर चीफ को, और किस तरह से देखते हैं कि ये जो कार्रवाई, क्योंकि कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। देखिए, पत्रकारों के गिरफ्तारी ये बताती है कि देश में जो सरकार है वो तानाशाह हो गई है। मुझे लगता है 90% पत्रकार तो सरकार की सारे पर काम कर रहे हैं, जो 10% पत्रकार बचे हैं उन पर ईडी सीबीआई, उनको जेल, अरे संस्थान को जेल भेजिए। पत्रकार तो किसी संस्थान में नौकरी कर रहा है, कहाँ से पैसा आया, कैसे पैसा आया, ये पत्रकार क्या बता पाएगा? लेकिन ये तो पूरा संस्थान है न्यूज़ क्लिक, जिसको बताया गया कि चाइना से फंडिंग होती थी उसकी। सरकार पहले ये बताए कि अपने प्रचार में कितना पैसा खर्च किया है, सरकार ने अपने लोगों को कितना पैसा माफ़ किया है, कितने उन गद्दारों की मदद की है जो देश का पैसा लेकर के भागे हैं, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। तो आप सोचिए ना, देश के प्रधानमंत्री जी के दोस्त कैसे हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो देश को धोखा दे रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों की दोस्ती बचाने के लिए कभी पत्रकार को, कभी विपक्ष के नेता को जेल भेजेंगे तो इससे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।